नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। शाम के 4 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं इस वक्त की 40 अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात एमपी के उज्जैन की, जहां उफनती नदी को पार करना दो युवकों को महंगा पड़ गया। बारिश और बाढ़ के चलते यहां पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था, जिससे अनदेखा कर दो युवक बाइक से पार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही सैलाब के बीचों बीच पहुंचे, उनकी एक न चली और तेज धार अपने साथ बाइक सवार दोनों को बहा ले गई। हालांकि गनीमत यह रही कि बाइक सवारों को दोनों स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया, लेकिन बाइक जरूर जल समाधि ले चुकी थी। एमपी के दमोह में बीच सड़क पर चलते ट्रक में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। इस हादसे के चलते कुछ देर के लिए सड़क पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया। और अब हादसे की खबर गाजियाबाद के वैशाली से, जहां एक निजी बैंक्वेट हॉल में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। अचानक आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बैंक्वेट हॉल में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। और इस वक्त की बड़ी खबर, आज गाजियाबाद के हिंडनेर बेस पर वायुसेना ने दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत से रूबरू करवाया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है, उससे पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों के अलावा ग्लोब मास्टर ने भी उड़ान भरी। चिनूक और तेजस लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे, क्योंकि ये पहली बार वायुसेना दिवस के इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे थे। हवा में विमानों का करतब देख लोग काफी उत्साहित हुए। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है, और इस बार चिनूक तेजस जैसे एयरक्राफ्ट की मौजूदगी के साथ ही लोग जो हैं और ज्यादा उत्साहित हैं। तेजस मेड इन इंडिया की तर्ज पर बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आज दुनिया ने हिंदुस्तान का दमखम देखा। हिंडन एयरबेस पर भारत के लड़ाकों ने हवा में अपना दमखम दिखाया। मधुरेंद्र कुमार ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं इस बार की वायुसेना दिवस के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। डकोटा ड्रोनियर हम देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने है, एकदम हवा में। जाहिर तौर पर ये जो समूचा एक तरह से प्रदर्शन है वायु शक्ति का, उसका ये हिस्सा है। डकोटा ड्रोनियर जो है वो फ्लाइंग पास्ट में हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो है वो फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए आगे जा रहा है। और इस तरह से हम अब आगे देख रहे हैं कि इस फॉर्मेशन में अब आपको हरकुलस विमान दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए सामने, तो अब हरकुलस विमानों का फॉर्मेशन जो है वो सामने आ चुका है। और ये जो समूचा फॉर्मेशन है जो कि भारतीय वायु शक्ति का हिस्सा है, उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि लगातार अब हरकुलियस जो है C-130J वो आपके ठीक सामने जा रहा है। और इन विमानों का जो समूचा फॉर्मेशन है वो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके बाद ग्लोब मास्टर जो है वो इस श्रृंखला में शामिल होगा। यानी भारतीय वायुसेना जो है वो अपने समूचे प्रदर्शन में दिखा रही है कि किस तरह से जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है, उसके साथ साथ जो कैरिंग कैपेसिटी है, दोनों का सम्मिश्रण जो है वो भारतीय वायुसेना में शामिल है। यानी जो ट्रांसपोर्ट एक तरह से विमान है, उनकी ताकत इस मायने में खास है क्योंकि वो हमारे ट्रूप्स को किसी भी ट्रेन में उतार सकते हैं। जो हमारी सैन्य ताकत है उसको कहीं भी किसी भी युद्ध के हिस्से में बढ़ा सकते हैं। साथ ही अब हम देखें तो आगे आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये फॉर्मेशन आपको ये सामने दिखाई दे रहा है। और ये ग्रुप कैप्टन AK पटनायक जो हैं Su-30 के साथ सामने उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये फॉर्मेशन आपके सामने देखें कि ये Su-30 विमान हैं जो कि अपनी कला और ताकत का समूचा जौहर आसमान में इस वक्त दिखाते नजर आ रहे हैं। उन तमाम विमानों के जरिए भारतीय वायुसेना दिखा रही है कि हमारी ताकत कितनी संगठित है और कितनी मारक है। आसमान में हिंद के रखवालों की आपको अलग अलग अंदाज दिखाते हैं किस तरह से वायुसेना दिवस के लिए वायुसेना के वीर जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। जवान जो हैं मार्चिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, तो वहीं पैराट्रूपर्स जो हैं वो अपने हैरतअंगेज करतब से लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए नजर आए। मकसद यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आम लोगों को, अगर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाना है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को वहां पर भारतीय वायुसेना के कौशल से रूबरू करवाना और युवाओं को भारतीय वायुसेना
का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करना होता है। और ये देखिए किस तरह से पैराट्रूपर्स जो हैं वो तिरंगे की फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए। हिंडन एयरबेस से मिराज उड़ान ने भी आज अपने कर्तव्य दिखाया। बालाकोट हमले को ऑपरेशन स्पाइक्स का नाम दिया गया था। आखिर इस नाम के पीछे की वजह क्या थी, हिंडन एयरबेस से बता रहे हैं मधुरेंद्र। हमारे ठीक पीछे आप मिराज 2000 को देख रहे हैं जिसे एयरफोर्स डे के परेड के रिहर्सल में शामिल किया गया। जाहिर तौर पे परेड का भी हिस्सा होगा। ये वही विमान है जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपना दम दिखाया था और स्पाइस बमों के साथ इसी विमान ने जैश के ठिकानों को उड़ाया था और इसीलिए इस समूचे ऑपरेशन का नाम स्पाइस ऑपरेशन भी रखा गया, क्योंकि ये जो विमान है वो स्पाइस बमों को अपने साथ कैरी कर रहा था। अगर इसकी हम खासियत की बात करें तो मिराज 2000 की लंबाई 47 फीट और वजन लगभग 7500 किलोग्राम है। यह अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और 13,800 किलो गोला बारूद के साथ लगभग 2,336 किलोमीटर की गति से ये आगे बढ़ सकता है। जाहिर तौर पर इसके अगर हम अन्य खासियतों की बात करें तो इस विमान के में लगभग जो तोप हैं वो 1200 से लेकर 1800 राउंड प्रति मिनट की दर से आग उगल सकते हैं। साथ ही ये एक बार में 6.3 टन तक असला जो है उसको ले जाने में सक्षम है। इस विमान के दोनों तरफ अगर आप देखें तो मिसाइलें, लेजर गाइडेड मिसाइलें, परमाणु शक्ति से लेकर क्रूज मिसाइलें तक ले जाने की क्षमता आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये विमान जो है वो कितनी मारक क्षमता से संपन्न है और इसकी ताकत जो है उसका कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि इस विमान का प्रयोग जो है पाकिस्तान की सीमा के भीतर जो आतंकी ठिकाने हैं उस पर अटैक करने के लिए किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय वायुसेना का भरोसा इस पर कितना ज्यादा है। के साथ कुमार, न्यूज़ नेशन। और इस बार का भारतीय वायुसेना दिवस जो है खास होने वाला है, क्योंकि एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था हमारे सूरमाओं ने और ऐसे में उनका सम्मान होगा। विंग कमांडर अभिनंदन के स्क्वाड्रन को भी सम्मानित किया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष 51 स्क्वाड्रन को सम्मानित करेंगे। 27 फरवरी को अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को अपने मिग 21 से मार गिराया था। स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की यूनिट को भी सम्मानित किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल 601 सिग्नल यूनिट को भी सम्मानित करेंगे। F-16 को मार गिराने में मिंटी अग्रवाल का भी अहम रोल था। उड़ान के वक्त मिंटी ने अभिनंदन को F-16 के बारे में सटीक सिग्नल जानकारी दी। वहीं बालाकोट में बम गिराने वाले मिराज 2000 के यूनिट को भी सम्मानित किया जाएगा। अपने शौर्य और पराक्रम के लिए ये वायुवीर सम्मानित होंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक साजिश की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला से जैश के एक जिंदा आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक घर में जैश का आतंकी छिपा हुआ है। खबर मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकी को पकड़ा गया। और शाम 4:40 खबरों में अब आपको राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें दिखाते हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को आज 2 महीने बाद अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने का मौका मिला और आज वो 2 महीनों बाद लोगों के सामने आए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला नजरबंद हैं। आज दोनों से पार्टी के करीब 15 नेता मुलाकात करने गए। कोर्ट ने पार्टी नेताओं को मिलने की इजाजत दी थी। फारूक अब्दुल्ला घर की छत पर आए और हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। और इस मुलाकात के बाद बीजेपी और आरजेडी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। उनको बताकर भी ये लोग आए होंगे कि जो सोचते थे वैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में अमन अमान है, शांति है, 97% इलाके में कोई तनाव नहीं है, सिर्फ इंटरनेट बंद है, अस्पताल खुले हैं और स्थिति बहुत सामान्य है। तो ये स्थिति भी उनके तो लोगों ने बताई होगी, उनको तो तसल्ली हुई होगी। सामान्य है तो वो सामान्य दिखना चाहिए, महसूस होना चाहिए। सामान्य सिर्फ शब्दावली का हिस्सा नहीं हो सकता, उस जमीन पे दिखना चाहिए। अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक साहब देश के महत्वपूर्ण ओहदों पर हैं, फारूक साहब हिंदुस्तान की आवाज थे, तो इससे मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। जल्द से जल्द संप्रेषण कम्युनिकेशन बहाल हो, जो मैंने पहले भी कहा कि परिस्थितियां ऐसी लगें कि सामान्य की ओर मूव कर रही।
और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। लड़ाकू विमान रफेल को लाने के लिए 7 अक्टूबर को फ्रांस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 8 अक्टूबर को फ्रांस में रफेल में भरेंगे उड़ान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बीएसएफ की फायरिंग के बाद भागी घुसपैठिए। अरुणाचल प्रदेश बनेगा यंग से बनेगा भारत चीन के बीच दोस्ती की कड़ी। भारत का दोनों देशों के यात्रियों को पवित्र स्थान पर आने की इजाजत देने का प्रस्ताव। बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात पर गिरिराज का नीतीश सरकार पर तंज। कहा, बिहार एनडीए की तरफ से मांगता हूं माफी, बाढ़ की वजह से पूजा और मेले का नहीं हो पाया आयोजन। कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुई शीला दीक्षित के करीबी नेता प्रहलाद सिंह साहनी। सीएम केजरीवाल की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। पीएमसी बैंक फ्रॉड मामले में एक्शन। पूर्व चेयरमैन वरियम सिंह को 9 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। करीब 4,000 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर 45 लाख का सोना जब्त। कस्टम विभाग ने की कार्रवाई। अफगानिस्तान से आए यात्री ने सैंडल में छिपा कर लाया था सोना। यूपी के मुरादाबाद में चला बड़ा हादसा। डबल डेकर ट्रेन हुई डिरेल। लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर ट्रेन पटरी से उतरी। नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की भक्ति पर चढ़ा देशभक्ति का रंग। कोलकाता में बालाकोट हमले को दर्शाते हुए बनाया गया पंडाल। बात बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार की। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। न्यूज नेशन से बातचीत में मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस के नेता ट्वीट एंड रन की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी जो हैं महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से पहले जिम्मेदारी निभाने की बजाय छुट्टियों पर जाना पसंद कर रहे हैं, वो कहीं बाहर निकल गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के महासचिव और वरिष्ठ नेता मुरलीधर राव जी हैं। मुरली जी, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार तरह तरह के काम कर रही है, लेकिन बेरोजगारी पर, किसानों की समस्या के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं बेरोजगार हो गए, अब वो जनता से तिरस्कृत है। न केवल अपवादात्मक वो तिरस्कृत है, उनके पार्टी पूरी कर्नाटक में तिरस्कृत है और उनके पार्टी में नेता छोड़ छोड़ कर दौड़ लगा रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी बैंकॉक चले गए और महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी तैयारी कर रही थी उनकी। देखिए, हम पहले से बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वेकेशन लीडरशिप पर है, तो इसलिए राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे तब भी दौड़ते थे, अब अध्यक्ष नहीं है तो उनको लगता है तो हिट एंड रन वाला है। वो मोदी पर एक ट्वीट करते हैं फिर दुनिया घूमने जाते हैं। फिर ट्वीट करने के लिए तो भारत में रहने भी जरूरत नहीं है, कहीं से भी किया जा सकता है। तो इसलिए ट्वीट एंड रन, ये कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की अभी न्यू स्ट्रेटजी। अर्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला किया तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होती है। जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। आज मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल में महानायक अमिताभ बच्चन पत्नी जया बच्चन के साथ पहुंचे। विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की आराधना करी। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म अभिनेत्री काजोल भी मौजूद थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन ने दुर्गा पूजा पंडाल में अपने परिवार सहित पहुंचे। काजोल वहां मौजूद थी अपने पूरे परिवार के साथ। उनकी छोटी बहन तनिषा मुखर्जी वहां मौजूद थी। काजोल के फर्स्ट कजिन और साथ ही यंग डायरेक्टर वेकअप सिड और ये जवानी है दीवानी फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी वहां पर मौजूद थे। कोलकाता में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने मां दुर्गा के पंडाल में पूजा अर्चना की। नुसरत जहां के साथ उनके पति निखिल जैन भी मौजूद थे। नवरात्र के मौके पर नुसरत जहां ने मां दुर्गा की आराधना की, आशीर्वाद दिया और एक अलग ही अंदाज में ड्रम बजाती हुई नजर आई। सात समंदर पार भी मेडागास्कर की राजधानी में नवरात्र की धूम देखने को मिली। महिलाओं के ग्रुप ने गरबा डांस किया और नवरात्र पूजा की एक दूसरे को बधाई दी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना के विकराबाद जिले में, जहां ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में ट्रेनी पायलट समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। विमान ट्रेनिंग के दौरान तेलंगाना के विकाराबाद जिले में गिर गया। विमान में सवार ट्रेनी पायलट के समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। इस विमान ने बेगमपेट एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ये समझना होगा कि आपको बता दें कि उसी इलाके में बेगमपेट में
एफओस का भी ट्रेनिंग स्कूल है, तो ये हादसा जो हुआ है वो किसी निजी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के साथ हुआ है, एफओस का एयरक्राफ्ट था, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, अभी कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है। जैसे ही और ज़्यादा खबर मिलेगी हम आप तक पहुँचाएंगे। अंडवल डॉन छोटा राजन के भाई दीपक निकलजे का टिकट आखिरकार कट गया है, वापस ले लिया है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने। दरअसल दीपक को टिकट देने का विरोध हो रहा था। न्यूज नेशन संवाददाता शैन सिंह ने छोटा राजन के भाई से टिकट कटने के बाद बात की। आरपीआई के उपाध्यक्ष दीपक निकलजे हमारे साथ हैं जो कि छोटा राजन के भाई हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि फाल्टन से आपकी उम्मीदवारी निश्चित की गई थी, अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद आपने विड्रॉ किया, वजह क्या रही? नहीं, मैंने विड्रॉल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारे रामदास जी अठोले साहब जो है उनको मैंने चेंबूर मतदार संघ मांगा था, जबकि चेंबूर में 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। पहली बार 2004 में मुझे 22,000 वोट्स थे, 2009 में मुझे 20,000 वोट थे, और सेना बीजेपी का कैंडिडेट जो था उसको सेना बीजेपी का मिल के 21,000 वोट थे। तो चेंबूर में मेरे वोटर्स ज़्यादा है, मेरा जनसंपर्क ज़्यादा है, इसके वजह से मैंने चेंबूर ये सीट रामदास जी अठोले साहब को बोली थी। और फल्टन ये तो मैंने कभी मांगा ही नहीं था, खाली साहब ने मुझे पूछा था कि फल्टन आपका गांव है तो आप वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया में आत्मघाती हमले का वीडियो सामने आया है, कार से सेना के कॉन्वॉय में धमाका किया गया। बगदाद के टीवी सेंटर्स पर अज्ञात बंदूकधारियों ने बोला हमला, हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की हुई मौत। यूपी के मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में तमंचे और औजार बरामद। मुंबई से सटे भिवंडी में एक घर के बाहर अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, यह अजगर लोहे के एक जाली में फंसा हुआ था, वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती का सिलसिला जारी, लगातार चौथे दिन कम हुए दाम, दिल्ली में पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 12 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। भारत ने वाइजैग में खेले गए पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका को 203 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली, रोहित शर्मा ने वाइजैग टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाया। हैदराबाद में एक सांस्कृतिक समारोह में पहुंची बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु, सर पर फूलों की टोकरी के साथ आई नजर। 4:40 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।